को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। याचिकाकर्ता एनजीओ लोक प्रहरी ने कहा है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में ऐसे जनप्रतिनिधियों को तुरंत अयोग्य करार देने का आदेश दिया था, लेकिन चुनाव आयोग विधानसभा सचिवालय से रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई करता है, जबकि विधानसभा सचिवालय की तरफ से अक्सर रिपोर्ट भेजने में देरी की जाती है। गौरतलब है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द होगी। हालात सामान्य बनाने के लिए कल जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सभी दलों की बैठक बुलाई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती रो पड़ी। महबूबा मुफ्ती ने बैठक के दौरान सभी दलों के नेताओं से जम्मू कश्मीर में शांति बनाने में उनकी मदद की अपील की। राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में भावुक अंदाज में ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि राज्य में शांति हो, इसमें सभी दल उनकी मदद करें। इससे पहले मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग का दौरा किया। अनंतनाग एवं कुलगाम जिलों में प्रदर्शनों के दौरान मारे गए युवकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की, लेकिन कार्यकर्ताओं की अभद्र प्रतिक्रिया के बाद अब मायावती और उनकी पार्टी घिरती नजर आ रही है। मायावती ने कह दिया है कि उनके कार्यकर्ताओं ने एहसास कराने के लिए विरोध किया है। जयशंकर सिंह की पत्नी खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि परिवार को राजनीति में घसीटने के लिए वे मायावती पर FIR करेंगी। जयशंकर सिंह के बयान को उन्होंने सही नहीं ठहराया, लेकिन ये कहा कि उस पर कार्रवाई हो रही है। इस मामले में अब तक बैकफुट पर चल रही बीजेपी भी मुखर होने लगी है। बीजेपी कह रही है कि हमने गाली देने के आरोपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की है, अब DSP भी कार्रवाई करे। परिवार से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें जेल में उठाकर डाला जा रहा है। गुजरात में दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। बीजेपी की राज्य सरकार दलित विरोधी है। बीजेपी पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी जो दमन की नीति अपना रही है, गुजरात में सभी धर्म जाति के लोग मिलकर इसको सबक सिखाएंगे। गुजरात की सरकार और बीजेपी दलित विरोधी है। उन्होंने कहा कि पीड़ित दलित को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए और उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, दलित पीड़ितों को न्याय मिले और आरोपियों पर कार्रवाई हो। इससे पहले गोरखपुर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने गोरखनाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मठ गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। मंदिर में संतों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के संत शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसे तमाम परोपकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि संतों की परंपरा बदलाव की परंपरा है। प्रधानमंत्री ने कहा, संत आध्यात्मिक नेता भारत को समृद्धि और आधुनिक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कई पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली कि शौचालय निर्माण के अभियान में कई संतों ने मदद की। शुक्रवार को कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख मुकर्रर की। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से इससे पहले जवाब देने को कहा गया है। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को 1 हफ्ते में सोसाइटी को अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया है। सोसाइटी के गार्ड्स को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि सोसाइटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। इससे पहले 29 अप्रैल 2016 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को 31 मंजिला आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन कोर्ट ने फैसले के अमल पर 12 हफ्ते की रोक भी लगाई थी ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सके। ये विभाग पहले डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के पास था। अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए शहरी विकास विभाग इसलिए मायने रखता है कि अनधिकृत कॉलोनियों में विकास से लेकर उन्हें नियमित करने, MCD को समय समय पर निर्देश देने का जिम्मा भी इसी विभाग के पास है। गौरतलब है कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए जब सत्येंद्र जैन को दिल्ली के हिसाब से अहम परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परिवहन विभाग में प्रीमियम बसों को लेकर हंगामा होने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गोपाल राय से विभाग लेकर जैन को थमा दिया था। खट्टर कैबिनेट का आज विस्तार होगा। PM मोदी की तर्ज पर CM खट्टर भी परफॉर्मेंस के आधार पर कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकते हैं। नए मंत्री चंडीगढ़ में शाम 5 बजे शपथ लेंगे। खट्टर कैबिनेट में कई नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल और रोहतक से विधायक मनीष ग्रोवर को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। बावल से विधायक बनवारी लाल को भी खट्टर अपनी कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं। CM खट्टर अनिल विज ने खेल विभाग लेकर कोई बड़ा विभाग देकर उनका प्रमोशन कर सकते हैं, जबकि रामविलास शर्मा और कैप्टन अभिमन्यु के कई विभागों पर कैंची चल सकती है।
उसके बाद अकाली दल नेता ने मांग की भगवंत मान सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने संज्ञान लिया है। उन्होंने भगवंत मान को तलब किया है। हालांकि संसद से निकलने के बाद मान ने कहा कि हम और वीडियो बनाएंगे, चाहे लोकसभा के स्पीकर से शिकायत कर दो। उन्होंने कहा कि मैंने गोपनीयता का कोई उल्लंघन नहीं किया है, सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ नहीं किया है, और अगर ऐसा है तो मैं कल भी ऐसा वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में संसद भवन की बेहद गोपनीय सुरक्षा का खुलासा किया गया है। वीडियो में संसद के एंट्री गेट अंदर कौन कौन लोग कहां कहां बैठते हैं दिखाया गया है। संसद की कार्य प्रणाली कैसे संचालित होती है, इस वीडियो में मान ने पूरा खुलासा कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान और चीन की सेनाओं ने इस इलाके में ज्वाइंट गश्त की है। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली की वेबसाइट पर प्रकाशित तस्वीरों के मुताबिक शिनजियांग में पीएलए के फ्रंटियर रेजिमेंट और पाकिस्तान के बॉर्डर पुलिस के जवान चीन पीओके बॉर्डर पर गश्त करते दिख रहे हैं। पीपल्स डेली इस इलाके को चीन पाकिस्तान बॉर्डर कह रहा है, जबकि शिनजियांग की सीमा केवल पीओके से लगती है। भारत सरकार पीओके को भारतीय क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा मानती है। पीएम मोदी ने शेख हसीना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत बांग्लादेश की सीमा पर 8 और चेक पोस्ट का निर्माण किया जाएगा। इस भारत और बांग्लादेश आने वाले समय में आर्थिक ऊंचाई हासिल करेंगे। पीएम मोदी ने शेख हसीना को ईद की भी मुबारकबाद दी। बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा है। भारत से जो भी संभव मदद होगी वो की जाएगी। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने किसानों की आत्महत्याओं के लिए भूत प्रेत को कारण बताया है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि ये बयान उनका नहीं बल्कि मृतकों के परिवारों के थे, जो उन्होंने सदन में सिर्फ सामने रखे। दरअसल कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल ने सवाल पूछा था कि सीहोर जिले में पिछले 3 सालों में कितने किसानों ने आत्महत्या की है। इसी के जवाब में सिंह ने बताया कि पिछले लगभग 3 सालों में यहां लगभग 400 किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन लिखित जवाब में 2 किसानों की आत्महत्या के पीछे जब वजह भूत प्रेत को बताया गया तो हंगामा खड़ा हो गया। किरकिरी होती देख गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साफ किया कि सीहोर जिले से जो जानकारी सामने आई है वही जानकारी उन्होंने सदन में दी है, इसे उनका खुद का बयान न समझा जाए। उन्होंने जेडीयू द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ी जाति पर हुई इस अमानवीय घटना के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए आरोपित गरु रक्षा दल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कुमार ने कहा है कि पार्टी ने शरद यादव की अगुवाई में वहां सांसदों को प्रतिनिधि मंडल भेजने का निर्णय किया है, जो वहां पीड़ितों से मिलकर उनका दर्द साझा करेगा। उन्होंने कहा कि जेडीयू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनके गृह राज्य में हुए इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ने की मांग करता है। नीतीश कुमार ने कहा कि दलितों पर हो रहे ऐसे हमलों से गुजरात में कानून व्यवस्था की स्थिति का पर्दाफाश हुआ है। महिला समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3रे को दबोचने के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना बिहार शरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र के खरादी मोहल्ले की है। खरादी मोहल्ला के एक मकान की छत पर पिछले कई दिनों से ये झंडा लगा था। किसी ने इसकी रिकॉर्डिंग कर कल सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर और वीडियो क्लिप डाल दी। इसके बाद मामले की जांच करने गुरुवार की सुबह एसपी कुमार आशीष, एसडीओ सुधीर कुमार, डीएसपी शेफुरहमान सहित कई थानों की पुलिस वहां पहुंची। पकड़ी गई महिला ने पाकिस्तानी झंडा लगाने की बात स्वीकार की है। ऐसी खबरें हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार परंपरा को तोड़ते हुए पहली बार नए चेयरमैन की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी बनाने जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को 10 पूर्व चेयरपर्सन की सूची मिली है। इनमें से एक को सर्च कमेटी बनाए जाने पर उसमें शामिल किया जाएगा। मित्तल को 31 दिसंबर 2014 को नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे रेलवे बोर्ड में मेंबर और केंद्र सरकार में सेक्रेटरी थे। अभी तक रेलवे बोर्ड चेयरमैन की नियुक्ति अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट करती रही है। इसमें कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार रेलवे बोर्ड और जनरल मैनेजर्स इस पद के लिए योग्य होते हैं।